100 से 150 ग्राम फूल ले लेना है आपको तोड़ के। तोड़ने के बाद इसको छाए में सुखा देना है। छाए में जब ये सूख जाता है, सूखने के बाद आपको इसको पीस के बारीक इसका चूर्ण बना लेना है। दोस्तों आपको इसका चूर्ण बनाने के बाद आपको करना क्या है, थोड़ी सी मिश्री ले लेना है इसके साथ में, इसके चूर्ण में मिला लेना है और इस चूर्ण को ताज़े पानी से आपको खा लेना है सुबह और ताज़े पानी से शाम को। दोस्तों इसकी मात्रा कितनी रहेगी, आपको एक चम्मच खाना है। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा कि आपको एक हफ्ते सेवन करने के बाद। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमनाथ वर्मा, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल जड़ी बूटी का देसी नुस्खा में बहुत बहुत स्वागत। आप लोग देख रहे हैं ये छोटा सा जड़ी बूटी का पौधा, तो आप इसको पहचानते होंगे। अगर नहीं पहचानते तो मैं क्या करने के लिए बैठा हूँ, आपको बताने के लिए। तो दोस्तों ये जो आप औषधि देख रहे हो, ये कोई मामूली औषधि नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त औषधि है ये। ये बहुत सारे लोगों को जड़ से ख़त्म करती है और आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ये किस किस रोगों को जड़ से ख़त्म करती है और कैसे कैसे इसका इस्तेमाल करना है, कितने मात्रा में इसको लेना है। तो दोस्तों आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिए। दोस्तों इस जड़ी बूटी का नाम है गुड़हल। ये गुड़हल का फूल है। दोस्तों आपको पता है कि हमारे पूरे भारतवर्ष में गुड़हल का फूल देखने को मिलता है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, और आपके यहाँ पे किस नाम से जाना जाता है आप इस कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि ये देख लो इसको पहले आप। ये गुड़हल का फूल है और ये हमारे देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। आज हम बात करेंगे कि हमारे बहुत से ऐसे भाई हैं बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं अपने लाइफ को लेके। तो दोस्तों आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि हमारे जो भाई परेशान रहते हैं वो क्यों परेशान रहते हैं। हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं कि जो सेक्सुअल लाइफ से बहुत ज़्यादा अपने परेशान रहते हैं, कि वो अपने लाइफ में खुश नहीं रहते। तो दोस्तों आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कितनी मात्रा में लेना है इसको। सेक्सुअल एस्टमिना, आपको पता है कि ये हमारे पुरुष भाइयों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है, क्योंकि अगर वो सेक्सुअल एस्टमिना ना होने के कारण हमारे बहुत से भाई निराश रहते हैं, अपने जीवन में खुश नहीं रहते हैं और अपने पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, और आपके पार्टनर आपसे झगड़ते लड़ते रहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप छोड़ के कहीं मत जाइए, इस वीडियो को आप देख लोगे तो अपने पार्टनर को संतुष्ट कैसे कर सकते हो, इस वीडियो में आज हम पूरा बताएंगे कि कैसे कर सकते हैं, अपने जीवन साथी को कैसे खुश रख सकते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि सेक्सुअल स्टैमिना बढ़ाने के लिए आपको इसका सेवन करना है। तो दोस्तों इसका सेवन कैसे करना है आप देख लीजिए कि इसके पत्ते, ये पत्ते हैं बहुत कोमल कोमल से पत्ते हैं, ये कलियां हैं और ये फूल हैं उसके। दोस्तों इसको देख लो और पहचान लो आप, और बहुत ही ध्यान से इसको देखो और बहुत ही ध्यान से सुनना है आपको। ज़रा सा वीडियो को स्किप नहीं करना है, वरना कौन सी जानकारी आपकी निकल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप बोलोगे बाद में कि सर आप वीडियो फेक बनाते हो, आपकी जड़ी बूटी काम नहीं करती है। दोस्तों ये हमारे पूरे भारतवर्ष में गुड़हल का फूल देखने को मिलता है, ये बहुत ही कारगर औषधि है। तो आपको करना क्या है, अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है कि आपको लिकोरिया जैसी प्रॉब्लम है कि आपके पेशाब के रास्ते से आपका पानी आ जाता है, गिर जाता है पानी, तो उसके लिए है ये, और आपका सेक्स पावर जो ख़त्म हो चुका है उसके लिए है ये वीडियो। तो ये सारी समस्या आपकी बिल्कुल जड़ से ख़त्म होने वाली है इस छोटी सी औषधि से। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि अगर सेक्सुअल स्टैमिना आपके पास कम है, आपका मन नहीं करता है अपने पार्टनर के साथ कुछ करने का, और आप बिल्कुल अपने पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पाते हो, आप दो मिनट में आपका काम हो जाता है, आप झड़ जाते हो, तो आपको अब निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है कि इसके फूल को तोड़ लेना है, आपको इसके फूल को तोड़ लेना, ढेर सारा फूल तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद आपको इसको छाए में सुखाना है, धूप में नहीं सुखाना है, छाए में सुखाना है, और ये इसका जो डंठल है इसको निकाल देना है आपको। ये केवल फूल इसका ले लेना है, बहुत सारा फूल लेना है आपको, 100 से 150 ग्राम फूल ले लेना है आपको तोड़ के। तोड़ने के बाद इसको छाए में सुखा देना है। छाए में जब ये सूख जाता है, सूखने के बाद आपको इसको पीस के बारीक इसका चूर्ण बना लेना है।
दोस्तों आपको इसका चूर्ण बनाने के बाद आपको करना क्या है, दोस्तों आपको थोड़ी सी मिश्री ले लेना है इसके साथ में, इसके चूर्ण में मिला लेना है और इस चूर्ण को ताज़े पानी से आपको खा लेना है सुबह और ताज़े पानी से शाम को। दोस्तों इसकी मात्रा कितनी रहेगी, आपको एक चम्मच खाना है। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा कि आपको एक हफ्ते सेवन करने के बाद आपका टाइमिंग कितना बढ़ जाता है, इससे आपको यकीन नहीं होगा कि इससे इतना ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है आपका। आपकी टाइमिंग बढ़ जाएगी, प्लस आपका मन जो नहीं करता है कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ कुछ करने का, वो आपकी आपका मन भी करने लगेगा। आप अपने लाइफ पार्टनर को खुश भी कर सकते हो और आपका लाइफ पार्टनर संतुष्ट भी हो जाएगा आपके इस जड़ी बूटी के सेवन करने से। और दोस्तों आपको इसका सेवन कितने दिन तक करना है, दोस्तों 10 से 15 दिन तक कंटिन्यू आपको इसका सेवन करना है। 15 दिन आप इसका सेवन कर दिए तो आपके बॉडी में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रह जाएगी और आप बिल्कुल भरपूर मात्रा में आपके अंदर सेक्स पावर भर जाएगा और आप अपने पार्टनर को संतुष्ट कर सकते हो। तो ये वीडियो बनाने का हमारा यही उद्देश्य रहता है दोस्तों कि आप लोग हमारी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करो और आप लोग अपने लाइफ पार्टनर को खुश रखो, आप संतुष्ट रहो और अपने लाइफ पार्टनर को भी संतुष्ट रखो आप लोग। और हमारा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य रहता है कि हमारे जो भाई परेशान हैं अपने लाइफ को लेके, उन भाइयों का भला होना चाहिए, उन भाइयों को हमारी वीडियो उन भाइयों तक पहुंचनी चाहिए। उन भाई का भला होगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। और दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।